हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुनील फ्रॉम सेंटेशन स्कूल अजीतगढ़। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे विशेष नाम बताने वाले शब्द अपने क्लास सेकंड सेकंड क्लास में। जो फर्स्ट चैप्टर है विशेष नाम बताने वाले शब्द, उनकी हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो पार्ट में विशेष व्यक्तियों के नाम की स्टडी की थी, फिर सेकेंड वीडियो पार्ट में विशेष स्थानों के नाम की स्टडी की थी। अब अपने थर्ड पार्ट है खेलों के नाम, जैसे अपने विशेष खेल दे रखे हैं, खेल दे रखे हैं, उन खेलों के नाम के बारे में अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, जिसमें आपको चित्र को देखना है। क्या करना है, पहले चित्र को देखना है, फिर इन चित्रों को देख करके ये देखना है कि कौन से बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं, और जो खेल खेल रहे हैं उस खेल का नाम अपने को क्या करना है, फिर बोलना है। पहले चित्र देखना है, फिर खेल को देखना है, और फिर क्या करना है, बोलना है। तो सबसे पहले अपने खेल दे रखा है, ये देखो, ये एक बैट ले रखा है हाथ में, और बॉल है, और पीछे तीन स्टंप हैं, और एक प्लेयर है जो खेलने वाला होता है, उसको अपन बोलते हैं प्लेयर। और ये कि गेम खेल रहा है या क्रिकेट खेल रहा है, इस खेल का नाम क्या है, क्रिकेट। तो ये खिलाड़ी कौन सा खेल खेल रहा है, क्रिकेट। और आपको पता है क्रिकेट में दो टीमें होती हैं, और एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं या 11 प्लेयर होते हैं। तो दोनों टीमों में टोटल प्लेयर कितने हो गए, 22। अब आगे नेक्स्ट अपने दे रखा है, देखो एक छोटा सा बच्चा है और अपने पैरों से किक कर रहा है, मार रहा है किसको, ये फुटबॉल है, फुट मीन्स पैर से खेलने वाली बॉल, फुटबॉल। और इस फुटबॉल को ये बच्चा क्या कर रहा है, किक कर रहा है, और तो ये कौन सा खेल हो गया, फुटबॉल। और फुटबॉल में भी कितने खिलाड़ी होते हैं, एक टीम में 11, और दोनों टीमों में कितने हो गए, टोटल 22। तो अब थर्ड प्लेयर अपने सामने है, थर्ड प्लेयर ये देखो, इसके हाथ में एक स्टिक है, एक प्लेयर है जिसके हाथ में ये क्या है, स्टिक है, और ये क्या है, बॉल। इस स्टिक से ये क्या कर रहा है, इस बॉल को मार रहा है, और स्टिक से बॉल को मारते हैं, इस स्टिक का नाम है हॉकी स्टिक, और हॉकी स्टिक से ये क्या कर रहा है, बॉल को मार रहा है, और इस खेल का नाम क्या है, हॉकी। क्या नाम है, हॉकी। और हॉकी में भी एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं, और दोनों टीमों में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हो गए, 22। तो हॉकी में भी दोनों टीमों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 22। अब आगे अपने एक और खेल दे रखा है, देखो इसके हाथ में रैकेट है, और सामने ये जाल भी लगा हुआ है, ये जाल है, ये रैकेट है, और ये बॉल है, और ये क्या कर रहा है, रैकेट से खेल रहा है। इट मीन्स ये कौन सा खेल है, बॉल के थ्रो रैकेट के जाल है या नेट है, और ये रैकेट से खेल रहा है, और ये खेल है टेनिस, और टेनिस खेल रहा है ये टेनिस बॉल से। और टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं, टेनिस सिंगल या अपन कहें एक टीम में एक खिलाड़ी भी हो सकता है, और एक टीम में डबल प्लेयर भी हो सकते हैं। तो टेनिस डबल प्लेयर से या सिंगल प्लेयर से एक टीम के थ्रू खेला जाने वाला खेल है। अब आगे अपने दे रखा है एक और खेल दे रखा है, जैसे ये देखो शतरंज कौन सा खेल है, जिसमें देखो ये दो लड़कियां खेल रही हैं, ये कौन सा खेल है, शतरंज। और शतरंज में कितने खिलाड़ी होते हैं, शतरंज में खिलाड़ी होते हैं टोटल दो। तो शतरंज में कितने खिलाड़ी होते हैं, टोटल दो, एक तरफ एक खिलाड़ी इसके अंदर खेलता है। और शतरंज में जो खेली जाती हैं, जैसे प्यादे घोड़ा ये सब होते हैं, इनको अपन बोलते हैं गोटियाँ। और गोटियाँ कितनी होती हैं, एक प्लेयर के पास में 16 गोटियाँ होती हैं, कितनी होती हैं, एक के पास में 16। तो दोनों के पास में कितनी हो गई, टोटल 16 प्लस 16 कितनी हो गई, 32 गोटियाँ या काटियाँ जिनको अपन कहते हैं। तो शतरंज में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर 2, और टोटल नंबर ऑफ गोटियों की संख्या कितनी होती है, 32। अब आगे अपने एक और गेम दे रखा है, देखो इसमें एक बच्चा है जिसके हाथ में क्या है, एक रैकेट है, और ये एक शटल कॉक है, चिड़ी है जिसको हम बोलते हैं, और ये एक नेट है, जाल है, मतलब शटल कॉक और रैकेट इन सब के थ्रू जो खेल खेला जाता है उस खेल का नाम है बैडमिंटन। क्या नाम है, बैडमिंटन। और बैडमिंटन में जो नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं वो बिल्कुल टेनिस के इक्वल होते हैं, टेनिस के इक्वल का मतलब एक टीम में एक प्लेयर भी हो सकता है और दो प्लेयर भी हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितने हो गए दोनों टीम में, दो या चार।
टू और फोर प्लेयर किसमें होते हैं, बैडमिंटन में। अब देखो एक और गेम आ रहा है आपके सामने, ये गेम आप देख रहे होंगे। देखो एक एक लड़की है जो क्या कर रखी है, जिसकी आंखें बंद हैं। ये एक लड़की है जिसकी आंखें हैंकी हैंकरचिप से क्या है, कवर हैं, ढकी हुई हैं, या इसकी आंखों के ऊपर कवर किया हुआ है। और ये और बच्चे इसके पास में हैं, और ये आंख बंद करके क्या कर रही है, इन बच्चों को ढूंढ रही है या हाथ लगा रही है। तो इस खेल का नाम है होता है आंख मिचौनी। क्या होता है, आंख मिचौनी। और आप इस खेल को अपने स्कूल में भी खेलते हैं। ये जो सारे खेल आ रहे हैं, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, टेनिस है, शतरंज, बैडमिंटन, इन सब खेल को अपन अपने स्कूल में खेलते भी हैं। और आंख मिचौनी में ये देखो, जिसकी आंखें बंद हैं या रुमाली से ढकी हुई हैं, और ये आंखें बंद करके क्या कर रही है, अपने साथियों को हाथ लगाती है या हाथ साथियों को पकड़ती है। तो ये हो गया आंख मिचौनी। अब आगे दे रखा है, देखो एक और खेल दे रखा है, और इस खेल में देखो कितने खिलाड़ी हैं, काउंट करो, देखें कितनी है टोटल। ये देखो ग्रीन कलर वाली में 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब इस टीम में कितने हैं टोटल, 7। और इस टीम में भी काउंट करो, देखें 1 2 3 4 5, और 2 पीछे होंगे। तो दोनों टीम में, एक टीम में नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं 7, कितने होते हैं, और तो दोनों टीमों में कितने हो गए, 7 + 7 कितने हो गए, 14। तो कबड्डी के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं, 14। कबड्डी में टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 14 सहोदय। और एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7। तो दोनों टीमों में कितनी संख्या हो गई, टोटल नंबर कितने हो गए, 14। तो ये खेल अपन आप लोग अपने स्कूल में खेलते भी हैं कबड्डी को, और देखते भी हैं। तो बच्चों आज हमने इन खेलों के बारे में स्टडी की है, जिसमें सबसे फर्स्ट हमने देखा था क्रिकेट, सेकंड नंबर देखा था हमने फुटबॉल, थर्ड नंबर हमने देखा था हॉकी, फोर्थ नंबर हमने देखा था टेनिस, फिफ्थ नंबर हमने पढ़ा है या देखा है शतरंज, सिक्स नंबर पे है बैडमिंटन, सेवन नंबर पे है आँख मिचौनी, और एट नंबर पे क्या है, कबड्डी। आप सभी इन सब खेलों को खेलते भी हैं, तो अब आपको बताना है इन खेलों में सबसे अच्छा खेल आपको कौन सा लगता है। जो खेल आपको सबसे अच्छा लगता है उस खेल के नाम को कमेंट बॉक्स में लिखना भी है। आपको जो खेल सबसे अच्छा लगेगा उस खेल का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।